तो इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से है, जहां सिरोंज में जमकर ओले गिरे हैं, करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई है। सिरोंज तहसील के इकोदिया, चंदाराना, बनिया, धाना, देहरी, सहजादपुर, आजमनगर, ऊराखेड़ी, बरखेड़ी, नेकान, तिलियाहार, खामखेड़ा, चंद्राई, लिधोड़ा, हरुखेड़ी, मुड़रा, बागल, उमरखेड़ी, सकलोन, विशेपुर गांव में ओलावृष्टि हुई है। तो कई गांव में ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते करोड़ों की फसल को नुकसान हुआ है। उमरखेड़ी, सकलोन, विशेपुर गांव में ओलावृष्टि हुई है। तो शाम 4 बजे से ओलावृष्टि शुरू हुई है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हर जगह उल्लू का अंबार लग चुका है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं, जहां ओलावृष्टि के चलते तो क्षेत्र में करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई है। बारिश और ओलावृष्टि का दौर अभी भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको विदिशा से बता रहे हैं, जहां सिरोंज में जमकर ओले गिरे हैं, करोड़ों की फसल बर्बाद होने का अनुमान है। सिरोंज तहसील के कोदिया, चंदड़ाना, बनिया, धाना, देहरी, सहजादपुर, आजमनगर सहित कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही ओराखेड़ी, बरखेड़ी, नेकान, तिहार, इन गांव में भी ओलावृष्टि हुई है। तो खामखेड़ा, चंद्राई, लिघोड़ा, हरुखेड़ी, मुड़रा, बागल, उमरखेड़ी, सकलोन, विशेपुर गांव में ओलावृष्टि हुई है। तो बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे से ओलावृष्टि शुरू हुई है और हर जगह ओलों का अंबार लग चुका है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। तो क्षेत्र में करोड़ों की फसल बर्बाद होने का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश और ओलावृष्टि का दौर अभी भी लगातार जारी है और अब किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि जब बारिश रुकेगी तब तक उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और मौसम के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो बारिश के साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बताया जा रहा है कि करीब शाम 4 बजे से ओलावृष्टि शुरू हुई है और जगह जगह ओलों का अंबार लग चुका है और अभी भी बारिश और ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी है। तो सिरोंज में जमकर ओले गिरे हैं। आपको बता दें, सिरोंज में कई गांव में ओलों की चादर बिछ चुकी है, ओलों का अंबार लग चुका है। सिरोंज तहसील के इकोदिया, चंदड़ाना, बनियाधाना, देहरी, सहजादपुर, आजमनगर, ऊराखेड़ी, बरखेड़ी, नेकान, तिलियाहार, खामखेड़ा, चंद्राई, लिघोड़ा, हरुखेड़ी समेत कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिंकू जुड़ चुके हैं। रिंकू, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है, क्योंकि कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई जिससे किसानों की फसलों को लाखों का नुकसान हुआ। क्या अधिक अपडेट और फिलहाल अभी वहां क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर अभी भी कई क्षेत्र में बारिश हो रही है और अभी ओलावृष्टि तो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र में हल्की हल्की बारिश है और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। जब हमने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया है कि जांच टीम बना ली है, हल्का पटवारियों को आदेश कर दिए हैं, कल से ही फसलों का जायजा जांच की जाएगी और जल्द से जल्द किसानों के लिए राहत का कार्य, राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। रिंकू, अगर बात करें तो फिलहाल अभी किसानों को किन फसलों में ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है, इसके अलावा आपके आसपास के किन गांव में ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरुखेड़ी, मुड़रा, उमरखेड़ी, सागलोन, लिधोड़ा, इन गांवों में कुछ ज्यादा ही नुकसान देखने को आया है। इन गांवों में कुछ अधिक ही ओलावृष्टि हुई है और लगभग गेहूं की फसल ज्यादा नष्ट होने के आसार दिख रहे हैं। जी, अगर बात करें तो जिस वक्त अगर किसान जो है वो इंतजार कर रहे थे अपनी फसलों के कटने का और ऐसे वक्त में अचानक से मौसम करवट बदलता है और अचानक से ओलावृष्टि और तेज बारिश होती है, ऐसे में अब आने वाले वक्त में किसानों को और क्या चिंता हो रही है उनकी फसलों को लेकर? अब किसानों को यही चिंता है, किसान ऊपर इस वर्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि ओलावृष्टि बंद हो जाए और पानी गिरना बंद हो जाए जिससे कि उनकी फसल सुरक्षित हो सके, क्योंकि अभी ये जो फसल अब जो निकलेगी इसका मार्केट में भी रेट सही नहीं मिलेगा जिससे किसानों के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, अगर बात करें रिंकू, तो जिस तरह से
कहीं ना कहीं मौसम जो है उसका किसानों को भी ऐसा अनुमान नहीं था कि इस तरह का अचानक से मौसम हो जाएगा। और आने वाले वक्त में अगर बात करें तो कल से त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहे हैं, ऐसे में त्योहार से पहले इस तरह की जो बारिश होना, जो किसान है उनकी खुशी में कहीं ना कहीं खलल डालने का काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, किसानों की खुशी के त्योहार के मौके पर किसानों की खुशी में खलल डालने का कार्य बारिश कर रही है। जी जी रिंकू, धन्यवाद आपके स्कोर पर अधिक जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में कल से त्योहार भी शुरू हो रहे हैं और त्योहार के सीजन में ऐसे में अचानक से ओलावृष्टि हो जाती है, जिसके चलते किसानों के जो त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं खुशियां जो हैं वो चिंता की लकीरों में तब्दील हो जाती हैं। और किसानों को अब इस बात की चिंता है कि जो फसल नुकसान हुई है क्या उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। तो लगातार ये बताया जा रहा है हमारे सहयोगी के द्वारा भी कि ओलावृष्टि का दौर तो रुक चुका है लेकिन बारिश अभी भी लगातार जारी है और इस बारिश में किसानों के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें खिंच चुकी है। कई जो किसान हैं वो अभी भी इस जुगत में हैं कि किसी तरह बारिश रुक जाए और वो अपनी फसलों को बचा सके। तो ये तस्वीरें चिंता करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो किसान है वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको उनकी फसलों को जो है वो अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन अब इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल भी ऐसे में सड़ सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। तो किसानों ने जो अपनी आमदनी लगाकर इस फसल को बोया था, अब उनको इस बात का डर है कि क्या ये फसल का उनको उचित मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कलेक्टर सिंह जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। कलेक्टर सिंह जी, आपका स्वागत है एमके न्यूज पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर सिंह जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर सिंह जी, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं, सिरोंज की बात करें, विदिशा की बात करें, भोपाल की बात करें और आसपास के जिलों की बात करें, तो किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को इस बात का डर है कि उनको उनकी फसलों का मुआवजा मिल पाएगा या नहीं, या उनकी फसल को सरकार जो है वो समय पर उनका मुआवजा दे पाएगी नहीं। भाई साहब सुनिए जी, जब जब भी प्रकृति ने कहर ढाया है किसानों के ऊपर जी, तब तब संबंधित बीजेपी की जो सरकारें रही हैं उनने किसानों की बहुत चिंता की है, चाहे ओलावृष्टि हो या अति बारिश हो, मुआवजा बिल्कुल 100% और 100% हम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है जी। और आज ही हमारे सरौंज ब्लॉक में जो ओलावृष्टि हुई जी, उसके लिए तत्काल प्रशासन ने टीम गठित करके और सुबह ही प्रशासन दलों को रवाना करेगी और मुआवजा की व्यवस्था करेगी जी। उम्मीद है कलेक्टर सिंह जी कि आप जो है वो किसानों के हित में काम करेंगे और किसानों की जो समस्या है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी मेहनत की कमाई लगाकर दिन रात मेहनत करके एक अच्छी फसल आने का इंतजार करते हैं और ऐसे में बारिश जो है, बेमौसम बारिश जो है वो किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये दायित्व है कि सरकार उनको उचित मुआवजा दे, साथ ही आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी किसानों के हक में आवाज उठाएं। जी आवाज तो उठाने की जरूरत नहीं है इस वक्त जी, वैसे ही का नाम से सरकार और सब का नाम से जो भी प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग हैं जी, सब मिलके का नाम से मुआवजे के लिए काम कर रहे हैं, फसलों के नुकसान का आकलन करेंगे। और वास्तव में ये बात सही है कि जब हम आज होली के त्योहार की चिंता कर रहे थे खेतों पे से आके, जैसे ही हम आज होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे और उसी टाइम ओलावृष्टि जी जी, जिससे हमारे बाल बच्चे किसानों के गांव के जी और सब मायूस हो गए। और आज होली दहन जिस तरीका से हम करेंगे पर वो भारी मन से कर पाएंगे जी, हम दुखी है, किसान दुखी है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बादल देखे जा रहे हैं, उन बादलों को देख कर ही जहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है, वे किसानों ने भी अभी भोजन नहीं बनाए, वो चिंतित है, माताएं चिंतित है, बच्चे चिंतित है, बहने चिंतित है, जिन घर में शादियां होने वाली थी जी। कलेक्टर सिंह जी, कह सकते हैं कि त्योहार के इस समय में कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जरूर बढ़ चुकी है। किसान जो खुशहाली के साथ इस त्योहार को मनाने का सोच रहे थे, इस बारिश ने जरूर उस खुशहाली में खलल जरूर डाल दिया है। कलेक्टर सिंह जी धन्यवाद आपके स्कोर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। तो ये चिंता का विषय है, ऐसे में किसानों को चिंता है उनकी फसलों का, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे से ही लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमारे
सहयोगी और हमारे साथ जो किसान नेता जुड़े उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाएगा क्षेत्र का, उसके बाद जो भी नुकसान हुआ है उसको नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा जरूर दिया जाएगा।